अस्सलामु अलैकुम। मैं देख रहा हूँ तमाम यूथ फैमिलीज पलस्ताइन के बारे में वीडियोस व्हाट्सएप पर शेयर कर रही, फेसबुक पर शेयर कर रही, इंस्टाग्राम पर शेयर कर रही। मेरा मैसेज ये है कि हमें उनके लिए क्या कर रही, क्या कर सकती, हमें उनके लिए तहज्जुद पढ़ सकती। पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ, पूरी लश्कर एक तरफ, एक तहज्जुद की नमाज एक तरफ। तहज्जुद में जो पावर है पूरे कायनात में किसी के पास भी नहीं है। नो वेपन इज इक्वल टू तहज्जुद नमाज। अगर तुम्हें उनके लिए कुछ करना चाहती हैं, अगर उनका दर्द तुम्हें फील कर सकती है, जो बच्चे मर रही, बुजुर्ग मर रही, बड़े मर रही, तो तहज्जुद पढ़ो, उनके लिए दुआ करो कि या अल्लाह उन पर रहम कर, उनके लिए कोई रास्ता बना, या अल्लाह उनकी हिफाजत ही कर। व्हाट्सएप पो, इंस्टाग्राम पो शेयर कर को, आई स्टैंड विद पैलेस्टाइन वाले तो क्या भी नहीं होता। अगर तुम ना एक उम्मती का दर्द है तुम्हारे अंदर तो नमाज पढ़ो। मैं वॉच करूं भाई, मैं सदके करूं भाई, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, दुआ कर रहा हूं, क्योंकि तो मैं जानता हूं मेरे अल्लाह को। ब्रो हमें कुर्बानियां बहुत जमाने से दे रही। ब्रो हजरत अली, हसन, हुसैन, खालिद बिन वलीद, सलाउद्दीन अयूबी, ये हमारे खून में कुर्बानियां देना, तो इट्स ओके। अल्लाह नोज द बेस्ट। अल्लाह चुपके आजाब, ये चुपके नहीं कर रहा। अल्लाह हैज बेटर प्लान्स, आई डोंट नो व्हाट अल्लाह हैज प्लान्ड फॉर देम, लीव इट टू अल्लाह। हमारा काम दुआ करना, लेट्स प्रे। दुआ से बड़ी चीज कौन सी भी नहीं भाई, दुआ से बड़ी ताकत कौन सी भी नहीं भाई। इट कैन चेंज द एंटायर सिस्टम। प्लीज प्रे फॉर द पैलेस्टाइनीज़।